चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजधानी मुंबई की, आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करते हैं, जहां पर 51 शौचालय का शुभारंभ जो है वो किया गया है। आपको बता दें कि निर्माण किया गया है शौचालय की, खास बात यह है कि महिला और पुरुष सीनियर सिटीजन के लिए दो अलग से शौचालय बनाए गए हैं। इसके अलावा दिव्यांग महिलाओं और पुरुषों के लिए भी अलग से शौचालय बनाए गए हैं। शौचालय में बिल्डिंग की एक साइड में महिलाओं के लिए 24 सीटें हैं, जबकि बिल्डिंग के दूसरे साइड में 25 सीटें पुरुषों के लिए बनाई गई है। इसके अलावा दो सीटें सीनियर सिटीजन्स के लिए निर्माण की गई है। आपको बता दें कि एक घंटे में करीब 600 लोग शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शौचालय के देखरेख के लिए एक संस्था भी बनाई गई है, वहीं सुरक्षा के लिहाज से आसपास CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। इस परिसर में पीछे गरज पीने वाले, चरस पीने वाले ऐसे गर्दुल्लों का भी प्रकोप बहुत रहता है। उनके लिए हमने दो बुलेट कैमरे और दो बड़े बड़े कैमरे जो रास्तों पे लगते हैं, ऐसी संस्था के माध्यम से, सोसाइटियों के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से पैसे इकट्ठा करके यहाँ के जनता की सुविधा के लिए, यहाँ के आने वाले लोगों के लिए, रहने वाले लोगों के लिए हमने इतनी सारी मल्टीपर्पज बहुउद्देशी व्यवस्था की है। और उसके आगे बढ़ करके इसके पीछे, शौचालय के पीछे जो छोटा सा मैदान है, मैदान को हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, वहाँ पेड़ लगा रहे हैं, वहाँ जो भी औषधियाँ हैं, औषधियों के पेड़ हैं, वो लगा करके इस परिसर को पूरी तरह से स्वच्छ और साफ रखने का प्रयास कर रहे हैं। और इस काम की शुरुआत के समय हमने एक आम का पेड़ लगा दिया था, देख रहे हैं आज आम फल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है साहब, इसके लिए ऐसा कर दिए कि ये लुखे बदमाश बैठते थे, लड़की रोड छेड़खानी कितना साहब के पास कंप्लेंट जाता था, तो बहुत परेशानी रही, अभी सब परेशानी दूर हो गई। ये बनके सबको, पब्लिक को बहुत अच्छा लगा साहब का काम। खुले में जाते थे साहब तो बहुत रोज़ रोज़ छेड़खानी, लड़की को इधर करना हो, मैंने जैसे लुखे लोग कुछ भी बात बोल देते थे, तो ये सब बवाल हट गया, अभी अच्छा हो गया। हाँ, इस वार्ड के अंदर 15 साल से अकाल पड़ा हुआ था, ऐसा नगर सेवक हमारे पास नहीं था जो लोगों का सुख सुविधा दे सके। ये पहली बार आज मुंबई में का 51 सीट, ये दूसरा है, ये पहला नहीं है, ये दूसरा है। अभी 48 सीट का आप देखेंगे तो गणेश नगर में भाई कमलेश यादव जी ने मुंबई महानगर पालिका से बात करके और इनके अथक प्रयासों से इन्होंने ज़बरदस्त एक शौचालय का वहाँ भी गए साल उन्होंने बनवाया, और ये दूसरा है। इसका आप रंग भी, एक कलर भी आप देखेंगे ना, तो हर शौचालय से